रतलाम की 30 से 35 पॉश कॉलोनियों में रिक्त पड़े हुए निम्न आय वर्ग के प्लॉट अब गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को बेचे जाएंगे। रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर शहर तथा जिले के अन्य स्थानों की 35 कॉलोनियों से उन 765 भूखंडों को चिन्हित किया गया है जो नियम अनुसार गरीब कमजोर वर्ग के लोगों को विक्रय किए जाना है, लेकिन कॉलोनाइजर्स द्वारा अपने स्वार्थवश इनका विक्रय नहीं किया गया था। जिले में 765 भूखंडों को अब निम्न आय वर्ग के लोगों को विक्रय जाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल कॉलोनी एक्ट में नियमानुसार कॉलोनी के कुल भूखंडों की संख्या के 15% भूखंड कमजोर आय वर्ग को देना अनिवार्य है। इसमें LIG व ESW स्तर के भूखंड व आवास शामिल होते हैं। रतलाम शहर और जिले के अन्य नगरों में करवाए गए सर्वे में यह पाया गया कि कई कॉलोनाइजरों ने निम्न आय वर्ग के भूखंडों का विक्रय ही नहीं किया, जिसके बाद अब शहर में रहने वाले निम्न आय वर्ग के लोगों को आने वाले दिनों में 35 से अधिक पॉश कॉलोनियों में भूखंड मिल सकेंगे। कि विगत 30 वर्षों में जितनी आवासीय कॉलोनियां विकसित हुई हैं, पहले यह प्रावधान था कि उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए प्लॉट आरक्षित होने थे और ये प्लॉट कलेक्टर से अनुमोदन के पश्चात आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ही एक नियत राशि पर देना था। मेरे संज्ञान में बात आया कि अभी भी बहुत बड़ी संख्या में प्लॉट खाली पड़े हैं और या तो कॉलोनाइजर ने उसमें पहल नहीं की या कलेक्टर कार्यालय से अनुमोदन नहीं हुआ। तो हमने ऐसे 30 कॉलोनियों की लगभग सूची बनाई है और ऐसे 800 प्लॉट मिले हैं जो कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षित हैं आज की तारीख में। अब अगला हमारा जो उद्देश्य ये है कि उन 800 प्लॉट को कमज़ोर निम्न वर्ग के लोगों के लिए, निम्न आय के लोगों के लिए उस प्लॉट को प्रक्रिया का पालन करके दिया जाए और हमने ये लक्ष्य रखा है कि आगामी 1 माह में हम अभियान चलाकर ऐसे प्लॉट्स को शहर के जो रहने वाले गरीब लोग हैं या निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको आवंटित करेंगे, जिससे कि उनका भी अपने घर का सपना साकार हो सके। तो एक